माह रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है, उसने हमें माह रमज़ान जैसी अजीम नेमत से सरफराज फरमाया। माह रमज़ान के फैज़ान के क्या कहने, इसकी हर घड़ी में अल्लाह की रहमत है। इस महीने में अजर व सवाब बहुत ही बढ़ जाता है। नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। एक हदीस पाक में है कि एक मरतबा माह रमज़ान शरीफ में दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं तो लाख दुरूद शरीफ का सवाब मिलता है। एक और हदीस में आता है कि जो कोई माह रमज़ान मुबारक में एक बार सुबहानअल्लाह कहे, फ़कत एक बार सुबहानअल्लाह कहे, उसको इस कदर सवाब मिलेगा जो गैर रमज़ान में 1,00,000 बार सुबहानअल्लाह कहने पर मिलता है। सुबहानअल्लाह। एक रिवायत के मुताबिक अर्श उठाने वाले फरिश्ते रोज़ेदारों की दुआ पर आमीन कहते रहते हैं। एक हदीस के मुताबिक रमज़ान के रोज़ेदार के लिए दरिया की मछलियाँ इफ्तार तक दुआए मग़फ़िरत करती रहती है। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह मुकाशफतुल क़ुलूब में नकल करते हैं कि हज़रत सैयदना अनस बिन राद रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अपने मुसलमान भाई की हाजत पूरी करने की गर्ज से चला, अल्लाह तबारक व ताला उसके हर कदम के बदले 70 नेकियां लिख देगा और उसके 70 गुनाहों को मिटा देगा। अब अगर अपने उस भाई की हाजत पूरी करने में कामयाब हो गया तो वह गुनाहों से इस तरह निकल गया जिस तरह उस रोज़ गुनाहों से पाक था, जिस रोज़ उसकी माँ ने उसको जना था। अगर उस भाई की हाजत पूरी करने के दौरान उसे मौत आ गई तो वह बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होगा। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद पर खुश होना ऐन सआदत है और इस खुशी की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के गम से बचाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान मुबारक के आने से खुश होने वाले को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के गम से बचाएगा। सुभानअल्लाह।